कश्मीर पटवारा सेशन इतिहाद पटवारियान इतिहाद पटवारियान इंसाफ की चक्की में जुल्म की चक्की में जुल्म की चक्की में पटवार है सरकार है सरकार है पटवार है पटवार है। जी मेरा नाम नवीद वासल है, मैं आल जम्मू कश्मीर पटवारी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जिस मकसद के लिए आज तमाम पटवारी जो हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसकी बुनियाद यह है कि जम्मू में एक एपिसोड होता है जिसमें दो पटवारियों को अरेस्ट किया जाता है, उनके घरों में जो है रेड डाली जाती है, छापे डाले जाते हैं और वहाँ से रिकॉर्ड जब्त किया जाता है कि भाई ये पटवारियों ने रिकॉर्ड लोगों को दिया हुआ था लिखने के लिए, और ये रिकॉर्ड हमने जब्त करके मीडिया में उसकी नुमाइश की जाती है उस तमाम रिकॉर्ड की। मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूँ, अगर किसी का कोई भाई या चाचा या बाप जो है इस महकमा से रिटायर हुआ है, अगर वो उसकी मदद लेकर वो रिकॉर्ड तहरीर कर रहा है और वो रिकॉर्ड लोगों का रिकॉर्ड है तहरीर करने में, अगर उसके अपने वालदेन की या अपने चाचा जात की या भाई की या किसी और की मदद लेकर वो रिकॉर्ड जो है तहरीर हो रहा है, तो उसमें ज़्यादती क्या है, उसमें परेशानी क्या है। उसके बाद एक पटवारी को इन्होंने रिहा कर दिया, दूसरा पटवारी अभी भी इन्होंने हिरासत में रखा हुआ है, उसके भी जवाइज़ नहीं बता रहे हैं ये कि भाई उसको क्यों हिरासत में रखा हुआ है। उसके बाद जहाँ जहाँ इनको परेशानी आती है सरकार को, वहाँ पटवारी जो है 36 डिपार्टमेंट का काम करता है एक पटवारी, एग्रीकल्चर सेंसिस हो, हार्टिकल्चर सेंसिस हो, ज़मीनों का रिकॉर्ड के मतलब हो, रोडों की मिसलें बनानी हो, पुल की मिसलें बनानी हो, उसके बाद कोई भी तामीरी काम हो, राशन कार्ड का मसला हो, उसके बाद कहीं भी स्टेट लैंड की ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ पटवारी को ये घसीटते हैं, पटवारी दिन रात सुबह शाम जो है इनके लिए सरकार के लिए तैयार रहता है। उसके बावजूद ये पटवारी को इतना मिस इंटरप्रेट करते हैं और मिस इंटरप्रेट करके और पटवारी को उन्हें बदनाम करके रखा हुआ है। अगर इनको पटवारी लफ्ज़ से इतनी ही नफरत है, पूरे हिंदुस्तान में जो नामकरण हो रहा है, पटवारी का नाम भी बदल दिया जाए, उसका नाम भी मुंशी रखा जाए, उसका नाम कुछ और दिया जाए इनको। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मीडिया की वसादत से, क्योंकि मीडिया जो है हमारे बाजू हैं, ये हमारी हर बात सरकार तक पहुँचाते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 1999-91 तक जमाबंदियाँ लिखी गई, उसके बाद 2014 तक कोई जमाबंदी नहीं लिखी गई, 2014 तक कोई जमाबंदी नहीं लिखी गई। 2014 के बाद जितने भी पटवारी लोग आए, सुबह शाम दिन रात मेहनत करके इन्होंने जम्मू डिवीज़न की, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 90% जमाबंदियां लिखी इन लोगों ने, और उस जमाबंदियों लिखने के बाद उनको ये सिला दिया जाता है कि उनके घरों में छापे डाले जाते हैं, जहाँ पटवारियों को अकोमोडेशन की ज़रूरत है, जहाँ पटवारियों को रिकॉर्ड की ज़रूरत है, जहाँ पटवारियों को अलमीरा की ज़रूरत है, जहाँ पटवारियों को जो बाहर से ट्रांसफ़र करके जो लोग लाए हैं इन्होंने, कोई किश्तवाड़ से यहाँ पे आया है, कोई रामबन से आया है, कोई उधमपुर से आया है, उनकी अकोमोडेशन का कोई सरकार को अता पता नहीं कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, हमारे मुलाजिम हैं। उसके बाद आज अगर किसी शख्स ने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, रजौरी में, किश्तवाड़ में, डोडा में, कहीं भी अगर किसी ने किसी के घर में कमरा रखा हुआ है, तो लोग कह रहे हैं भाई अपना रिकॉर्ड उठाओ और उठा कर ले जाओ कि भाई हमारे